डियर फ्रेंड्स, आज मैं बचे हुए ब्रेड के टुकड़ों से ये बढ़िया से हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। आज हम ब्रेड के बचे हुए इन टुकड़ों से बहुत ही टेस्टी हलवा बनाएंगे। इस ब्रेड के टुकड़ों को हमने पहले सुखा लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में पीस करके इसका आटा बना लेंगे। देखिए, हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है, ये इस तरह का आटा बिल्कुल बन चुका है बढ़िया सा। अब हम इसका हलवा बनाएंगे। अब हमारा ये घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये ब्रेड का आटा मिलाएंगे। अभी हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं, इसको हम बिल्कुल और आटे का हलवा बनाते हैं या जो भी बेसन का हलवा बनाते हैं उसी तरीके से इसको मीडियम आंच पे भून लेंगे। ये बहुत ही जल्दी भून जाएगा। ये हमारा ये ब्रेड अच्छे से भून चुका है, ये देखिए बिल्कुल चॉकलेटी कलर का हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितने में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा और पानी लगेगा। इसको धीरे धीरे हम अच्छे से चला लेंगे, चला के इसको हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मेरा हलवा थोड़ा सा है तो हमने आधे कप से भी कम लिया है चीनी, आप अपने आटे के हिसाब से लें और इसे अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं यह हलवा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ये इसने तली को भी छोड़ दिया है। अभी हलवा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अभी हमारी ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आप उतने पर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है तो इसको अच्छे से और भी डाल सकते हैं। ये आप देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए, ये हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, ब्रेड के बचे हुए टुकड़ों का बेहतर इस्तेमाल कीजिए और ये बढ़िया सा टेस्टी हलवा बना के आप भी ज़रूर खाइए। और हमारे पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।